मैं हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस गुंडे अलवेश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसके ज़िम्मेदार अलवेश यादव होगा या फिर उसके दोस्त होंगे या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे FIR को पूरा का पूरा बदल दिया। बिग बॉस OTT2 विनर और मशहूर यूट्यूबर अलवेश यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वह एक दूसरे यूट्यूबर के साथ मारपीट करते देखे जा सकते हैं। अब यूट्यूबर सागर ठाकुर ने बिग बॉस OTT2 के विनर अलवेश यादव के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद अलवेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सागर ने गुरुग्राम पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर एक बयान भी दिया है। सागर ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए अलवेश संग हुई मारपीट की पूरी कहानी सुनाई है। उन्होंने ये भी बताया कि हमले के बाद जब वो FIR कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा, मैं इतना समझ गया हूं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप FIR भी बदल सकते हैं। अलवेश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की थी, मुझे लगा कि उसे पब्लिक लोकेशन पर बुलाना चाहिए था। कुल मिलाकर ये केस शब्दों से जीतना था। अलवेश ने मुझे घुटनों से नाक पर मारा, कई बार हाथों से मुंह पर मारा, फिर फोन से मेरे स्पाइन पर मारा। आपको पता है कि अगर स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हो। मुझे बहुत बार जान से मारने की धमकी दी। लड़ाई के बीच में ही अलवेश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है, अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा मारा, और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी एक दो बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी, कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा पंगे ये वो। उधर इस मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अलवेश यादव ने एक चैनल से बातचीत में सफाई दी है। अलवेश ने कहा कि 6 से 7 महीने से मुझे उकसाया जा रहा था, मेरे घर वालों को जलाने की धमकी दी जा रही थी, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अलवेश यादव ने कहा कि मैं अपनी माँ के ऊपर एक भी गाली नहीं सहता, कोई अपने घर वालों के ऊपर नहीं सुनता, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, पहले से प्लॉटेड था सब। उधर घर वालों को जलाने की धमकी दे रहा था, गालियाँ बक रहा था, इसलिए मैंने मारा। मानहानि का केस करूंगा, उसने मुझे व्हाट्सएप कॉल की जिससे मैं रिकॉर्ड न कर पाऊं, हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा हाथ उठ गया क्योंकि वो लगातार टिप्पणियां कर रहा था। अलवेश यही नहीं रुके, आगे बोलते हुए कहा कि पुलिस की जांच में जरूर सहयोग करूंगा। एक साइड की वीडियो दिखाई गई है, दूसरे साइड की स्टोरी किसी ने नहीं देखी, मेन कारण छिपाया जा रहा है। मैं उसकी जगह पर गया था, वो मेरी जगह पर नहीं आया था, उसने पहले से वहां पर कैमरा लगाया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि वहां पर कैमरा था। मुझे ये सब करना होता तो मैं सोशल मीडिया पर डालता, उसको फॉलोवर की भूख है। आपको एक बार फिर पूरा मामला बता दें कि सागर ठाकुर ने अलवेश यादव का मुनव्वर फारूकी के संग खिंचा फोटो ट्वीट किया था। इसके बाद उनके पोस्ट पर अलवेश यादव ने जवाब दिया था कि भाई तो दिल्ली में रहता है, सोचा याद दिला दूं। इसके बाद सागर और अलवेश यादव के बीच सोशल मीडिया पर देखने दिखाने की बातें शुरू हुई, फिर व्हाट्सएप पर गर्मा गर्मी हुई और फिर दोनों की मीटिंग फिक्स हुई थी। जब दोनों मिले तो अलवेश ने सागर संग मारपीट की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।